बड़ी सीधी सी बात यह है, राजनीति जो है वो समाज सेवा का दूसरा रूप है। राजनीति को अगर समाज सेवा की तरह से लिया जाएगा तो समाज सेवा की मजबूरी है कि आपको हर व्यक्ति के गुल्ला मिलना पड़ेगा। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी राजनीतिक तो हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, और समाज सेवी होने के नाते से लोगों के साथ में जो इनका रिश्ता है वो बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता है। इसलिए लोगों के बीच में जो छवि है, जब जयप्रकाश जी का नाम सुना कि वो लोकसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ बने हैं, तो कांग्रेस के खेमे में ही इससे खुशी नहीं आई, बाकी दूसरी पार्टीज के जो कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ता उनको जानते हैं उनको भी बड़ी खुशी महसूस हुई कि कम से कम एक ऐसा आदमी जो एक हर्षवर्धन एक तरफ है और दूसरी तरफ जयप्रकाश अग्रवाल है, इन दोनों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है आपस में, दोनों में रात और दिन का फर्क है। वो व्यक्ति कभी आता नहीं है और ये व्यक्ति किसी को छोड़ता नहीं है, रात के 12 बजे भी चले जाओ घर पे इसके, ये आदमी मिलने को तैयार बैठा हुआ है। सर अब तो कहेंगे सब कांग्रेस के लोग बीजेपी के लोगों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी के लोगों से पूछ के देखोगे तो पता लगेगा असलियत क्या है। असलियत ये है कि बीजेपी के लोग दबी जवान से कहते हैं कि भैया यार मिलता तो है, आता तो है नहीं, कोई काम नहीं करता। अब ये MCD के पार्क में सिर्फ जिम लगा देने से संसद सदस्य अपनी जो बड़ी जिम्मेदारी है उससे मुक्त थोड़ा हो सकता है। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने आपको हम सभी को यहाँ पे संबोधित किया ही है, और उन्होंने बताया कि वो यहाँ पे एक MP बन के नहीं रहेंगे, वो एक उनका रिश्ता आपके साथ दोस्ती का रहेगा। तो एक MP का यही कहना एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम सभी जितने भी यहाँ पे हमारे मतदाता होंगे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हो, चाहे उनका MP विधानसभा से हो चाहे अन्य विधानसभा से हो, हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो MP हो वो हमें हमारा इस तरह संबोधित करें कि जैसे हम एक घर के सदस्य हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमारे JP अग्रवाल जी एक ऐसे हैं सिर्फ एक MP बन के नहीं रहेंगे, वो एक हम सबके हम दर्द बन के रहेंगे। कि हम नोटबंदी के कारण जो काला धन है वो हम बाहर से लेके आएंगे और हर गरीब के खाते के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे। तो मोदी जी से तो हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि आपने हर कलर के नोट दिए, लाल, पीले, नीले, हरे, सब, आप काले रंग का नोट क्यों नहीं लेके आए? आप वो जिस नोट के वादे के ऊपर बेस पे आपने जनता से झूठ बोला, जिस नोट के ऊपर आपने लोगों का दिल जीता, आपने वही नोट नहीं लेके आए? आप उस नोट को लेके आइए ना। आप भ्रष्टाचार हैं, अगर फैलाया था तो आप भ्रष्टाचार को ख़त्म क्यों नहीं करा आज तक आपने? कांग्रेस का सबसे बड़ा काम यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों को साथ लेके चलने की जो उनकी नीति है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और उसी वजह से हम पिछले 70 साल से जो मोदी जी कहते हैं हमने राज किया, हमने इसी वजह से राज किया कि हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का नुकसान नहीं किया। मैं खुद दलित जाति से संबंध रखता हूँ, लेकिन कभी भी दलित जाति के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, कोई किसी को मारा नहीं गया, पीटा नहीं गया। आज हम रोज़ देखते हैं व्हाट्सएप पे आती है वीडियो कि कोई दलित भाई कोई मरा हुआ जानवर ले आ रहा है तो उसको आपने जान से मारने की कोशिश की, कुछ बजरंग दल के तथाकथित गुंडे हैं वो लोग आते हैं उनको मार देते हैं, पिटाई करते हैं, मतलब इतनी पिटाई कर देते हैं कि वो मरने तक की उनकी नौबत आ जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, उन्होंने सब जाति सब वर्णों को सबको सब साथ लेके चले, इस वजह से कांग्रेस पार्टी की जो नीति हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती है और सबको पसंद आती है। जो यहाँ से जो सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनकी जो शख्सियत है उनके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए जयप्रकाश अग्रवाल जी का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो बच्चे से लेके बड़े तक का सबका नाम जानते हैं, सबको नाम से बुलाते हैं। आप उनके घर चले जाइए, कोई भी चले जाइए, दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले हैं। अभी हम मिले, अगर उन 200 आदमियों से मिले तो 200 ही आदमियों से वो स्माइल करके मिले, मुस्कुरा के मिले, जबकि वर्कलोड भी है, प्रेशर भी है, सुबह से कैंपेन कर रहे हैं और वो आस्ते आस्ते नहीं है, वो जब से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है वो तब से ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है ये, उनका जो है सबसे ज़्यादा, इस वजह से वो आज तक जीतते आ रहे हैं और आज तक राजनीति की जो उनका सफर चल रहा है। एक्सपीरियंस है और वो हमेशा ज़मीनी स्तर पे और लोकल मुद्दे उठाते रहे हैं, वो क्योंकि इस चांदनी चौक ज़िले में पैदा हुए हैं, वोटर आई कार्ड उनका यहाँ का है, सब कुछ उनका यहीं का है और उनको यहाँ के छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे हर तरीके से जानते हैं। यहाँ के लोग उनसे बड़े आराम से मिलना पसंद करते हैं और वो भी लोगों से बहुत आराम से खुल के मिलते हैं। बाकी एक सिंगल पॉइंट ऑफ उनका एजेंडा नहीं है, वो मल्टीपल पॉइंट ऑफ एजेंडा पे बात करेंगे, वो बात करेंगे व्यापारियों की, वो बात करेंगे फ्लैट वाले लोगों की, वो बात करेंगे झुग्गी झोपड़ी की, वो बात करेंगे JJ कॉलेज की, सभी मुद्दों पर बात है। फाइट मेरे को तो लगता नहीं, ना आम आदमी पार्टी से ना BJP से, हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जीते हुए हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट है और यहीं पर उनका जन्म हुआ है। और ये आपने देखा हर्षवर्धन जी बाहर के हैं और पंकज गुप्ता जी बाहर के हैं,
इस 5 साल के अंदर दिल्ली सरकार में आपने देखा होगा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जमीनी स्तर पे, उन्होंने कोई कार्य किया। 5 साल के अंदर हर्षवर्धन जी हमारे को, मैं खुद एक मार्केट का प्रधान हूँ, अपनी कॉलिंग कल उनका वाइस प्रेजिडेंट हूँ RW का, मैंने 10 लेटर लिखे, उन्होंने कोई कार्य नहीं करा हमारी वजीपुर विधानसभा के अंदर। तो देखो जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसा नेता अब इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। जयप्रकाश जी इतने जुझारू नेता हैं कि अगर इनकी यहाँ कोई छोटे से छोटा आदमी भी चला जाए ना और किसी काम को बोल दे तो वो आदमी उनका बाजू पकड़ के काम करा सकता है। ये ऐसे नेता हैं कि इन्होंने गरीबों को जो जितना सम्मान दिलवाया है शायद किसी नेता ने नहीं दिलवाया। कांग्रेस की लहर अब फिर दोबारा से जाग उठी है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा और बहुमत से अगर सबसे ज़्यादा वोट लेकर के कोई जीतेगा तो वो श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। चांदनी चौक विधानसभा में इस बार तिरंगा लहराएगा और वो तिरंगा लहराएगा जिसके ऊपर हाथ का निशान होगा, वो है जयप्रकाश अग्रवाल जी। इस बार बहुत ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जी जीतेंगे और बहुत ही ज़्यादा बहुमत से आएंगे श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी। देखिए हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से 5 साल गुजरने के बाद में मेरे ख्याल से एक बार भी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, आम पब्लिक से भी अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन जी कभी आपको लोकसभा में किसी भी अच्छे में, बुरे में, परेशानी में, समस्या में, क्षेत्रीय समस्याओं में कहीं इन्वॉल्व रहे, तो उसका जवाब एक ही मिलेगा कि कभी नहीं। अब आते हैं हम जयप्रकाश अग्रवाल जी के पास में। जयप्रकाश अग्रवाल जी कोई पैरासूट से उतारा हुआ चेहरा नहीं है। जयप्रकाश अग्रवाल जी दिल्ली की नस नस से वाकिफ़ हैं, उस दिल्ली से वाकिफ़ हैं जब दिल्ली का जन्म हो रहा था, दिल्ली डेवलप हो रही थी, उस समय से दिल्ली के बीच में रहकर वो काम कर रहे हैं। हर कार्यकर्ता उनको पर्सनली जानता है, वो हर कार्यकर्ता को जानते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं। मैं आपका घरेलू नाम बनना चाहता हूँ, मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, मैं एक बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं आपका हिस्सा बनना चाहता हूँ आपके परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कलम न हो तो लहू तर्जुमा नहीं होता, इस दौर में आंसू दुआ नहीं होता, और जहाँ जाएगा वही रोशनी फैलाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता।